वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल करेंगे। फोटोसिंथेसिस को दो टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बाहर से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की लीव्स में कितना अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दूसरा, कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे क्लोरोफिल का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स की लीव्स पर हैं, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे गैशियस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा। इस तरह कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो अब हम डिटेल करेंगे। सो नाउ लेट अस डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पर उससे पहले बहुत शॉर्ट में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि ब्लैक मैन ने प्रपोज किया था इसके बारे में बताया था और कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में भी बताया था। किसी भी फैक्टर के लिए तीन कार्डिनल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो जूलियस वॉन सैक्स ने प्रपोज किए थे। वो तीन कार्डिनल पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, ऑप्टिमम एंड मिनिमम। एग्जाम्पल टेम्परेचर के लिए ले लो, टेम्परेचर के लिए तीन कार्डिनल पॉइंट्स क्या होंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। हालांकि इसकी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में दे दी है, अब हम लोग एग्जैक्टली फैक्टर्स को डिटेल करते हैं। फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताया दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की डिटेलिंग करेंगे। यहाँ देखिए मैंने पहले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दी है। फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, रेट माने कितने स्पीड में या कितने अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा उसको अफेक्ट करते हैं, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर की अवेलेबिलिटी। इसमें ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की बात करते हैं तो ये सबसे एसेंशियल कॉम्पोनेंट है या फिर सबसे एसेंशियल फैक्टर है, क्योंकि हमें पता है फोटो वर्ड का मतलब ही लाइट है और सारे प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। So it is, we know that the light reaction of photosynthesis is completely light dependent. माने वो light पर dependent होता है। तो light में जब हम बात कर रहे हैं तो light की तीन ऐसी important आप कह सकते हो qualities है जो आपको consider करनी होती है, या in general light में आप तीन factors के बारे में बात करते हो, वो है light की quality, light की intensity and light का duration. जब हम light की quality की बात करते हैं तो quality का मतलब होता है कौन से wavelength पर, या जब हमें पता है व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है तो किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, तो वो किस वेवलेंथ में होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में। तो लाइट की ये हो गई क्वालिटी। अब बात करिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट कितनी इंटेंस है, इंटेंस माने लाइट कितनी ज्यादा अवेलेबल है। इसके बेसिस पर सनलाइट कितनी ज्यादा है, कितनी देर के लिए है, कितनी ज्यादा है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, और कितनी देर के लिए अवेलेबल है उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड माने द अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड जितनी देर के लिए लाइट या फिर सनलाइट प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगी ताकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सके, तो वो आता है लाइट के ड्यूरेशन की कैटेगरी। तो लाइट में इंटेंसिटी का मतलब लाइट कितनी इंटेंस है। हालांकि सारे प्लांट्स काफी ज्यादा सनलाइट प्रेफर नहीं करते, इसके बेसिस पे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, सनलाइट लविंग प्लांट्स एंड शेड लविंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा सनलाइट प्रेफर करते हो, जैसे सक्यूलेंट्स या फिर कैक्टस या अदर ड्राई कंडीशंस वाले प्लांट्स को ले लो, और अगर आप कुछ अदर कॉमन प्लांट्स की बात करो वो काफी कम सनलाइट प्रेफर करते हैं, माने उनको शेडी एरिया ज्यादा पसंद होता है। तो ये हुई लाइट की इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के बेस पे प्लांट्स दो टाइप के हैं, शेडी एंड सनलाइट लविंग प्लांट्स। अब आते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो प्लांट्स जो होते हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल होता है, और हमें पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 अंदर लेते हैं स्टोमेटा की मदद से, एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है जिसको वो बॉडी से बाहर कर देते हैं स्टोमेटा की मदद से। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है।
जितना ज्यादा CO2 होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन अगेन हमने पढ़ा 3 कार्डिनल पॉइंट्स है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। तो मिनिमम हुआ तो फिर तो फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा, ऑप्टिमम तो इस टाइम पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम होना चाहिए। बहुत ज्यादा होगा तो भी ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिसिटी का काम करेगा, उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी माने कार्बन डाइऑक्साइड अब पॉइजन की तरह काम करने लगेगा क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये भी हार्मफुल है, इसलिए ऑप्टिमम मात्रा ज्यादा सही मानी जाती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, दिस वी ऑलरेडी नो, ज्यादातर सारे प्लांट्स, मतलब अगर आप C3 प्लांट्स को देखोगे, सारे हमें पता है ज्यादातर प्लांट C3 प्लांट्स होते हैं, मगर C4 प्लांट्स जो फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए एक नया मैकेनिज्म फॉलो कर चुके हैं, वो C4 प्लांट्स तो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को, हाई कॉन्सेंट्रेशन को भी झेल लेंगे, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स C3 प्लांट्स होते हैं। तो हमें पता है अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो फिर प्लांट्स को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि उस टाइम पर रूबिस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, रेदर देन एक्सेप्टिंग CO2। तो उस केस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने से प्लांट को प्रॉब्लम होगी एंड प्लांट वुड अंडरगो फोटो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। टेम्परेचर भी हमें पता है, भी इसके भी अगर कार्डिनल पॉइंट्स के टर्म्स में भी बोलोगे तो मैक्सिमम, ऑप्टिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम टेम्परेचर माने टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फिर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का अगर टेम्परेचर है तो ज्यादा हाई टेम्परेचर में प्लांट्स स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं। ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, यानी फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो फिर प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, मगर ऑप्टिमम है तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, और अगर टेम्परेचर मिनिमम है तो भी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगा। अगला है वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर एक रॉ मटेरियल है। हमने इक्वेशन में देखा था फोटोसिंथेसिस के कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से। यानी वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशियंट अमाउंट में नहीं है तो फिर प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब हम लोग इसकी शॉर्ट नोट मेकिंग कर लेते हैं। पहले हम लोग लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप लाइट की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं। एक तो लाइट की इंटेंसिटी माने लाइट कितनी इंटेंस है, लाइट की सनलाइट कितनी ज्यादा अवेलेबल है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है। सेकेंड है लाइट की ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि लाइट कितनी देर के लिए अवेलेबल है। और थर्ड है लाइट की क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब है कि जब व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है तो कौन से वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो पहले हम क्वालिटी देख ले तो हमें पता है एक तो ब्लू रीजन में और दूसरा रेड रीजन में। ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, मैक्सिमम। तो ये वाली क्वालिटी लाइट की सबसे बेस्ट है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमाइज करने के लिए। ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के टर्म्स में हमें पता है कि प्लांट्स को कम से कम, देखो मिनिमम 6 घंटे की सनलाइट तो प्लांट्स को चाहिए ही होती है, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे जिन्हें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें 6 घंटे से भी ज्यादा की सनलाइट चाहिए होती है। तो आप कम से कम इसमें 8 से 10 घंटे बता सकते हो, 8 to 10 आवर्स, कम से कम 8 से 10 घंटे की सनलाइट प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सो दैट इज ड्यूरेशन, कि कितने देर के लिए सनलाइट अवेलेबल है। और तीसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब लाइट कितनी इंटेंस है, इंटेंस माने लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसके बेस में, इंटेंसिटी के बेस पे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, शेडी प्लांट्स, शेडी माने जिनको छाव में रहना ज्यादा पसंद है, और दूसरे होते हैं लाइट लविंग। लाइट लविंग माने उनको डायरेक्टली सनलाइट बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए।